एक इतना ज्यादा पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि जब भी बनता है उसके बाद ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस 80% से भी ज्यादा हो जाते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा आसान है। इवन अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो भी आप इस पैटर्न को बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके बेसिस पर ट्रेड लेकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जिस कैंडलस्टिक पैटर्न की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है किकर पैटर्न। तो चलिए अब इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो किकर पैटर्न दो तरीके के होते हैं, एक होता है बुलिश किकर पैटर्न और दूसरा होता है बियरिश किकर पैटर्न। तो सबसे पहले बुलिश किकर पैटर्न की बात करते हैं। तो बुलिश किकर पैटर्न कुछ आपको इस तरीके का चार्ट में नजर आएगा। इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग हुई है। आप देख सकते हैं कि इससे पहले वाली जो कैंडल थी वो यहाँ पर थी और इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी है उसके बीच में कोई भी कैंडल नहीं है और यहाँ पर एक गैप है। तो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई है और जो हमारी नेक्स्ट कैंडल है वो इससे काफी ऊपर यहाँ पर ओपन हुई है। अब क्योंकि ये एक बुलिश किकर पैटर्न है तो इससे आप समझ सकते हैं कि जब भी ये पैटर्न बनता है तो इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये पैटर्न बना उसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ी है। तो यहां पर आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जब भी बुलिश किकर पैटर्न बनता है तो इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये पैटर्न सिर्फ गैप अप ओपनिंग से नहीं बन जाता। अगर एक कैंडलस्टिक पैटर्न को किकर पैटर्न बनना है तो इसके लिए उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि यहां पर जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इससे पहले जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में था, मतलब शेयर की प्राइस गिर रही थी। आप यहां तक देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारी लास्ट कैंडल बननी चाहिए वो एक बियरिश कैंडल बननी चाहिए। आप देख सकते हैं ये एक रेड कैंडल बनी है। और इसके बाद इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो बियरिश कैंडल बन चुकी है ना, इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल हमारी बननी चाहिए इसमें एक गैप अप ओपनिंग हुई है, जैसे कि यहां पर एक गैप अप ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है। और उसके बाद एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए जो कि ये ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रही है। तो किकर पैटर्न बनने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरा जो हमारी लास्ट कैंडल बननी चाहिए जिसके बाद गैप अप ओपनिंग हुई है वो एक बियरिश कैंडल होनी चाहिए। और इसके बाद थर्ड कंडीशन है कि जो हमारी गैप अप ओपनिंग हुई है उसके बाद एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए। तो जब इस तरीके का पैटर्न बन जाता है तो आप यहां से समझ सकते हैं कि यहां से शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं और इस तरीके से प्राइस बढ़ सकती है। यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि गैप अप ओपनिंग से हमारा मतलब है कि जो दो कैंडल्स हैं उन दोनों की जो बॉडी है वो एक दूसरे से टच नहीं होनी चाहिए। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं इन दोनों कैंडल्स की बॉडी एक दूसरे से टच है, एक दूसरे के बिल्कुल पास है, लेकिन जो इसके बाद अगली कैंडल बनी है इन दोनों की बॉडी एक दूसरे से टच नहीं है। तो जब इस तरीके की कैंडल बन जाती है ना तो यहां से आप समझ सकते हैं कि इसके बाद प्राइस आगे बढ़ सकती है। अब ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था, मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं बुलिश किकर पैटर्न का। अब ये मैंने एक सेकंड एग्जांपल खोल दिया है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहां पे शेयर की जो प्राइस थी वो डाउन ट्रेंड में थी, इसके बाद जो लास्ट हमारी कैंडल बनी वो एक बियरिश कैंडल बनी यानी रेड कैंडल बनी। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर गैप अप ओपनिंग हुई है और गैप अप ओपनिंग में एक हमारी ग्रीन कैंडल बनी है। तो जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बन गई उसके बाद शेयर की प्राइस में एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला है। अब देखो ये दोनों जो एग्जांपल मैंने आपको दिखाए हैं इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों जो कैंडल्स हैं उन दोनों की बॉडी एक दूसरे से टच नहीं कर रही हैं। अब हर बार जरूरी नहीं है कि जो कैंडल बन रही है वो इतनी परफेक्ट हो, हो सकता है कि इन दोनों की विक एक दूसरे से टच कर रही हो। अगर विक टच कर रही है तो वो चल जाएगा। लेकिन एक कैंडलस्टिक पैटर्न को बुलिश किकर पैटर्न बनने के लिए ये जो दोनों कैंडल्स हैं इन दोनों की बॉडी टच नहीं होनी चाहिए। अब देखो वैसे तो जब भी ये बुलिश किकर पैटर्न बनता है तो ये सफिशिएंट होता है, लेकिन अगर आप कंफर्मेशन करना चाहते हैं तो इसके साथ आप वॉल्यूम इंडिकेटर को भी ऐड कर सकते हैं। यहां पे मैंने ऑलरेडी वॉल्यूम ऐड कर रखा है, बट अगर आपको वॉल्यूम ऐड करना नहीं आता है तो आप यहां पे इंडिकेटर पे क्लिक करके वॉल्यूम सर्च करके ऐड कर सकते हैं। तो जब आप वॉल्यूम को चार्ट में ऐड कर देंगे वहां पर आपको यह देखना है कि जब भी ये बुलिश किकर पैटर्न बना है उस टाइम पर अगर वॉल्यूम भी इंक्रीज हुए हैं तो ये एक बहुत अच्छा कंफर्मेशन है कि इसके बाद प्राइस बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो वहां पर आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। ध्यान रहे कि यहां पर हमने डेली कैंडल्स का चार्ट खोल रखा है तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए ज्यादा बेटर होगा। तो ये होता है बुलिश किकर पैटर्न। तो ऐसे ही चलिए इसके जस्ट अपोजिट बियरिश किकर पैटर्न के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों जब भी बियरिश किकर पैटर्न बनता है तो उससे हमें यह पता चलता है कि कहां से शेयर की जो प्राइस है वो गिर सकती है। जैसे यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे एक बियरिश किकर पैटर्न बना है और उसके बाद शेयर की प्राइस गिरी है।
जहां पहले शेयर की प्राइस 108 रुपए थी, उसके बाद प्राइस गिरकर 87 रुपीस पर आ गई थी। अब ये जो बेयरिश किकर पैटर्न है, इसके बनने के लिए भी कुछ कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है। तो चलिए अब उन कंडीशंस के बारे में जान लेते हैं। इसमें सबसे पहली कंडीशन है कि जो मार्केट है वो इससे पहले अप ट्रेंड में होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो शेयर की प्राइस थी वो ऊपर की साइड बढ़ रही थी, यानी मार्केट अप ट्रेंड में था। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है कि जो हमारी लास्ट कैंडल बननी चाहिए ना, वो एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए, यानी कि ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट पहले अप ट्रेंड में था, उसके बाद हमारी ये ग्रीन कैंडल बनी, और इसके बाद अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और एक रेड कलर की कैंडल बनती है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एक बेयरिश किकर पैटर्न बन गया है। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो गैप डाउन ओपनिंग है उससे हमारा मतलब है कि जो हमारी फर्स्ट कैंडल है और जो हमारी नेक्स्ट कैंडल है, उन दोनों की जो बॉडी है वो एक दूसरे को टच नहीं होनी चाहिए, जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं। तो जब भी इस तरीके का पैटर्न बनता है जिसमें पहले शेयर की जो प्राइस है वो अप ट्रेंड में होती है, उसके बाद एक हमारी ग्रीन कैंडल बनती है, लेकिन ग्रीन कैंडल के बनने के अगले ही दिन जो शेयर की प्राइस है वो काफी नीचे ओपन होती है, और उसके बाद हमारी अगर एक रेड कैंडल बनती है, तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक बेयरिश किकर पैटर्न बन गया है, और इसके बाद आप ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ से शेयर की प्राइस नीचे गिर सकती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी शेयर की प्राइस काफी नीचे गिरी है। अब इसमें भी आप कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम का यूज कर सकते हैं। मैंने वॉल्यूम ऑलरेडी ऐड कर रखा है और मैंने आपको बताया है कि आप वॉल्यूम को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मार्केट बढ़ रहा है तो वहां पर वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए, और अगर मार्केट गिर रहा है तो वहां पर वॉल्यूम भी गिरना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर शेयर की प्राइस गिर रही है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तब आप ये मानेंगे कि यहाँ पर सेलर ज्यादा एक्टिव है और यहाँ से प्राइस रिवर्स करने वाली है, तो वहां पर आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं या फिर आप किसी स्टॉक के लिए पुट ऑप्शन भी बाय कर सकते हैं। अब ऐसे ही मैं आपको बेयरिश किकर पैटर्न का एक और एग्जांपल दिखाता हूं, और ये मैं आपको इंफोसिस का एग्जांपल दे रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि इंफोसिस की जो प्राइस थी वो यहां तक बढ़ रही थी। ये प्राइस बढ़ने के बाद एक यहां पर आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली है, यानी कि बेयरिश कैंडल बनी है। अब इसके बाद शायद आपको बहुत ज्यादा दिखाई ना दे रहा हो, तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है इसमें गैप डाउन ओपनिंग हुई है। तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद आप देख सकते हैं कि एक रेड कलर की कैंडल बनी है, और जैसे ही ये रेड कलर की कैंडल बनी, उसके बाद आप देखिए कि कितनी ज्यादा प्राइस गिर गई थी। तो आप यहां पर भी शॉर्ट सेल कर सकते थे या फिर पुट ऑप्शन बाय कर सकते थे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बुलिश किकर पैटर्न और बेयरिश किकर पैटर्न का यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से स्टॉक में बुलिश किकर पैटर्न बन रहा है या फिर बेयरिश किकर पैटर्न बन रहा है? तो इसके लिए आप चार्टिंग की वेबसाइट में जाकर एक फिल्टर का यूज कर सकते हैं। जब आप इस फिल्टर को लगा लेंगे तो जिन भी स्टॉक्स में बुलिश किकर पैटर्न बन रहा होगा, उन स्टॉक्स का नाम आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि LTI माइंडट्री के स्टॉक में बुलिश किकर पैटर्न बन रहा है। तो जिस टाइम पर आप देख रहे होंगे, उस टाइम पर जिस स्टॉक में बुलिश किकर पैटर्न बन रहा होगा, उस स्टॉक का नाम यहां पर होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बुलिश एंड बेयरिश किकर पैटर्न का यूज करके मार्केट की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। अब वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको कुछ प्रो टिप्स बता देता हूं। लेकिन उससे पहले, अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो आप एंजल वन में अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप ज़ीरोधा या अपस्टॉक्स में भी अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो मैंने सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहली टिप यह है कि जितना ज्यादा गैप दो कैंडल्स के बीच में होगा, यानी जितना ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होगी, उतना ही ज्यादा किकर पैटर्न स्ट्रांग होगा। और सेकंड प्रो टिप यह है कि जितनी छोटी विक होगी, उतना ज्यादा ही ये किकर पैटर्न स्ट्रांग होगा। यानी अगर यहां पे विक ना हो या फिर बहुत छोटी विक हो, तो ये ज्यादा स्ट्रांग किकर पैटर्न होता है। और थर्ड, मैंने आपको बताया ही है कि अगर किकर पैटर्न बनने के साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो वो जो भी पैटर्न है, चाहे वो बुलिश किकर पैटर्न है या फिर बेयरिश किकर पैटर्न है, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि उस स्टॉक में बायर्स या सेलर्स बढ़ गए हैं। तो ये होता है किकर पैटर्न। अगर आप और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम दो वीडियोस बना चुके हैं, उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है, तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।